आपने दीपावली पर तो जगमगाती रोशनी और आतिशबाजी का नज़ारा खूब देखा होगा, मगर आई इंडिया आपको जो दिखाने जा रहा है नज़ारा किसी दीपावली से कम नहीं है। दरअसल शनिवार को चारों युगों का साक्षी विश्वविख्यात महर्षि दधीच कुंड शरद पूर्णिमा पर असंख्य दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। यह मनोहारी दृश्य देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त दधीच कुंड तीर्थ पर दीपदान करने के साथ ही इस अलौकिक अद्भुत दृश्य के साक्षी बने। मिश्रिक के दधीच कुंड तीर्थ पर दीपदान के साथ ही उस समय दीपावली जैसा नज़ारा दिखा जब तीर्थ के चारों तरफ आतिशबाजी हुई। मिश्रिक नगर के तमाम श्रद्धालु अपने अपने घरों से 5-5 दीपक लेकर तीर्थ पहुँचे और दीपदान कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान समूचा क्षेत्र श्रीमन नारायण नारायण और भगवान विष्णु की आरती से गुंजायमान होता रहा। वीडियो देखकर आप भी भक्ति से सराबोर हो जाएंगे। तीर्थ पर एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि मानो समस्त वातावरण भक्तिमय हो गया है। इससे पहले सुबह महर्षि दधीच आश्रम के महंत देवानंद गिरी के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा दधीच आश्रम से चलकर नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः आश्रम पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यहां नगर वासियों ने दधीच प्रतिमा का पूजन किया। इस मौके पर राजस्थान से पधारे मांगीलाल दधीच, शिव सागर यादव, विवेक चौहान, अशोक वाजपेयी सहित तमाम श्रद्धालुओं ने दीपदान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मिश्रिक कोतवाली ओपी तिवारी, कस्बा इंचार्ज रत्नेश तिवारी, अशोक कुमार सिंह व पुलिस के साथ मुस्तैद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।